Good evening everyone, namaskar, salam, sat sri akal, welcome back to Deep's All in One channel. आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. शाम की कड़क कड़क अदरक वाली चाय बन रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है. बीच में मौसम ठीक सा रहा लेकिन मार्च में ऐसा वेदर बहुत कम होता है, लाइक प्लेजेंट हो जाता है. यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है जितनी इस बार हो रही है. एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मार्च में यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, बट एक्सेप्शनल कि हाँ कुछ ऐसा है. बट इस बार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है. मैं तो बच्चों की हिम्मत मानती हूँ कि ऐसे उसमें वो स्कूल चले जाते हैं बेचारे और बाहर प्लेग्राउंड में खेलते भी हैं, तो काफ़ी ठंड है. और ऐसे में चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. वैसे तो कोई भी मौसम हो हमारे लिए तो चाय ज़रूरी होती है. वेल, आज क्या स्पेशल है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कितने दिनों से पेंडिंग है. अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो हमने किचन का मेकओवर किया था दिवाली के अराउंड. मैंने तब भी बोला था कि हमने किचन के लिए कुछ और भी ऑर्डर किया था बट वो आ नहीं पाया. तो दिवाली पे जो चीज़ हमने ऑर्डर करी थी वो फाइनली अब आई है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो लाइक दिवाली की चीज़ जो है वो होली पे आई है. हुआ क्या था, हमने ऑर्डर कर दिया था लेकिन कुछ स्टॉक में प्रॉब्लम हो गई थी तो वो डिलीवर नहीं हो पाया. उस समय नवंबर की बात है, तब डिलीवर नहीं हो पाया. तो ऑप्शन भी था कि आप चाहे तो अपने पैसे वापस ले लें कैंसिल करके सारी चीज़, बट उसमें ये था कि स्टॉक आएगा तो फिर डिलीवर हो जाएगा. तो मैं कहा चलो, हमने इतना रिसर्च करके सारी चीज़ें करके वो सेलेक्ट किया था, तो मैं कहा चलो देखते हैं आ ही जाएगा स्टॉक. तो तब तो ये था कि हर 4-5 दिन पे मैं चेक कर रही थी कि स्टॉक आया नहीं आया. बट नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गई और फरवरी आते आते दिमाग से भी निकल गया हमारे कि हाँ हमने कुछ ऐसा सच ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यू ऑल नो, हॉच पॉच हियर एंड देयर, तो वो निकल ही गया दिमाग से. परसों शाम को लाइक अराउंड 6:30 करीब अंधेरा हो गया था और डोरबेल बजी तो बाहर दो बड़े बड़े पार्सल रखे हुए. बस लाइक ऑर्डर तो कुछ भी नहीं किया था, ये क्या आया. अच्छा था भी मेरे नाम पे, अगर ये अपने काम का कुछ भी ऐसा ऑर्डर करते हैं तो वो इनके नाम पे आता है तो वो मेरे नाम पे होएगा, मैं तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया. खैर वो ओपन किया तब देखा उसने, देखा ओफो ये आ गया फाइनली. फिर जाके वो ईमेल वगैरह हमने सारा अपना चेक किया तो ठीक है, उसमें से डिडक्ट हो गया था तो वो चीज़ जो है वो हमारी डिलीवर हो गई है. सो फाइनली इट्स हियर एंड आई नो. तब आप लोग देखेंगे ना, आप लोग भी बोलेंगे यस दीपिका तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो. कुछ लोगों ने इवन तो मुझे सजेस्ट भी किया था कि दीपिका तुम ये ले लो, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा. तो प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी बट ये है कि वो पूरा नहीं हो पा रहा था. फाइनली इट्स हियर. तो चाय पीते हैं और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पूरी अनबॉक्सिंग करूँगी. मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, बस एक चीज़ ओपन करके देखी थी बट टोटल नहीं किया है. अच्छा एक चीज़ दिखानी है मुझे. अभी ना यहाँ संडे को मदर्स डे था, यूके में मदर्स डे जो था वो अभी जो संडे गया है उसको था. तो अद्वी ने मेरे लिए एक ये प्यारी सी जो डॉल है ना ये पेंट की है, तो उसने मुझे ये मदर्स डे पे गिफ्ट दिया है और एक ये यूनिकॉर्न बनाया है उसने प्यारा सा. तो ऐसे ऐसे तो वो रख के गई थी कि मम्मा वीडियो शुरू जब मैं सेटअप करती हूँ ना तो उसको लगता है कि हाँ मम्मा बेटी हो करेगी, तो वो रख के गई थी कि मम्मा ये दिखा देना, आपने दिखाया नहीं होगा. एक अच्छा चलो मैं दिखा दूंगी. तो ये अद्वी की चीज़ें थी. चलो चाय भी हो गई है, साहब को आवाज लगाती हूँ, चाय पीते हैं और उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं. एक्साइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड. सो चाय हमारी हो गई है, नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड टू अनबॉक्स दिस यूनिट. स्टैंड मिक्सर है ये और इसके साथ हमने एक ये ऑप्शनल एसेसरी भी ली है, ब्लेंडिंग जग. सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और ये हमने अमेजोन से लिया है. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं. इसको मैं आज थोड़ा यूज़ भी करूंगी तो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू भी दे दूंगी मेरे फर्स्ट यूज़ के बाद. तो चलिए, जो जार है वो मैंने ओपन करके देख लिया था लेकिन यूनिट मैंने अभी ओपन नहीं करी है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ, निकालती हूँ बाहर और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा मटीरियल है और किस तरह का है ये.
तो ये है पूरी यूनिट और इसके साथ सबसे पहले इसका यूजर मैनुअल है ये, और इंग्लिश में है, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये मेंशन है और सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है कि कौन सा पार्ट कैसे है, क्या किस तरह से वर्क करेगा, सब कुछ है इसके अंदर मेंशन और बहुत इजी लैंग्वेज में. तो मैनुअल इज सो इजी. अब चलिए आपको सिस्टम में ही दिखा देते हैं. तो ये इसका टॉप पैनल है, यहाँ पे आपको एक चीज ये दिखाई दे रही होगी, ये इस तरह से ओपन होती है. तो यहाँ पे जिसके लिए हमने लिया है ये जग, तो इसमें आप कोई भी स्मूदी कुछ भी बना सकते हैं, लाइक ग्राइंडर है ये. तो ये ऑप्शनल है, इसके लिए अलग से पे करना पड़ता है, तो ये ऑप्शनल है. और भी दो तीन ऑप्शन है इसमें. तो ये हो गया एक, यहाँ पे आपको ऑप्शनल एसेसरी मिलती है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, वो हमने नहीं लिए, हमारी जरूरत की नहीं थी. ओके, ये इसका डिस्प्ले हो गया और यहां से आप टाइम सेट कर सकते हैं, कितना कम रखना है, कितना ज्यादा, जो भी है. ये टाइमर है हमारा और यहाँ पे ये स्पीड है. इस वाली नॉब से ये ओपन होता है, इस तरह से ये ऊपर हो जाता है. और यहाँ पे ये मिक्सिंग बोल है हमारा, ये लिड है उसकी, और ये सारी इसके अंदर आती है इसकी अटैचमेंट. तो इसके अंदर तीन अटैचमेंट है, ये तीन. तो ये मैं निकाल लूं बबल रैप में से और फिर आपको दिखाती हूं. तो अटैचमेंट्स मैंने इसकी ओपन कर ली है. तो सबसे पहली तो ये है, आपको एग बीट करना है, लाइक बीटर है ये, या फिर आपको बनानी है कोई भी व्हिपिंग क्रीम बनानी है, तो ये उसके लिए है अटैचमेंट. और ये भी केक बैटर वगैरह जो होता है उसको बनाने के लिए. तो ये दो जो है वो बीटिंग वाले ऑप्शन है. जो सबसे ज्यादा मुझे चाहिए वो है ये डो हुक, जिससे कि रोटियों का, पराठों का, पूरी का आप आटा बना सकते हो. तो मेन जो था वो यही था और बहुत हैवी ड्यूटी वाला है ये, तो आई होप ये बहुत अच्छे से काम करेगा. मिक्सिंग बोल जो है इसका भी साइज अच्छा खासा बड़ा है और ये अच्छे से लॉक हो जाता है. ऐसा नहीं कि आप मिक्स कर रहे हो तो ये निकल जाएगा, इधर की तरफ ना इसमें नॉब है कि ये लॉक हो जाता है और इस तरह से फिर ये ओपन होके तब ये इस तरह से निकलता है. स्टेनलेस स्टील का है, अच्छी क्वालिटी का है. तो ये दो चीजें जो है ना वो फिक्स हो जाती है वहां पे और ये लॉक हो जाता है. तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो अटैचमेंट्स हैं वो लगेंगी. तो चलो एक बार मैं बोल जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद इसको यूज करेंगे. जग एक बार और आपको अच्छे से मैं दिखा देती हूँ. अच्छा, ब्लेंडर जग दिखाने से पहले मैं ये वाली अटैचमेंट आपको बता देती हूँ. तो इस तरह से यहाँ बंद हो जाता है और ये अटैचमेंट है, ये भी आपको अलग से बाय करनी पड़ती है. ये बेसिकली जो है वो मिंसर है, जो लोग मीट वगैरह खाते हैं और उनको मिंस करना होता है, तो एक्स्ट्रा अटैचमेंट वो यहाँ पे लग जाती है. तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, बट हमारे लिए ये नहीं है. मैंने तो बस इसका जो है वो ब्लेंडर वाला जो ऑप्शन है वो ही लिया है. तो वो दिखाती हूँ मैं आपको भी. तो यहाँ पे ये इस तरह से कवर रहता है. आप सिर्फ इतनी भी यूनिट ले सकते हैं, जो ये इतना है ना, सिर्फ आपको मिक्सर ही चाहिए तो आप बस इतनी भी यूनिट ले सकते हैं. तो मुझे ये वाला चाहिए था, एक बड़ा जग. कई बार होता है ना कि बल्क में मैंगो शेक या कुछ भी बनाओ तो उसके लिए चाहिए होता है, तो बड़ा था नहीं. तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है और ये ग्लास का है. सबसे बड़ी बात, अब तक मेरे पास जितने थे वो सब प्लास्टिक के थे, ये ग्लास का है, हैवी है और फोर ब्लेड वाला है. ये मैं आपको ऐसे दिखा दूं, ये इस तरह से दिखाई देगा, ये फोर ब्लेड वाला है ये अंदर से. और यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे फिट हो जाता है, इस तरह से फिट हो जाएगा. और प्लग एक ही है और स्पीड वगैरह जो है वो इसकी भी, इसी के साथ जो मिक्सर है उसी के साथ, इसी से इसकी भी स्पीड जो है वो सेट होगी. और यूके प्लग के साथ ये आता है, इस तरह से ये यूके प्लग है. ये डो हुक हमने अभी अटैच करके देखा. अच्छा, इसके ऊपर ना ये वाली एक प्लेट, इसका लिड भी मिलता है, तो इसको आप इस तरह से फिट कर दो और यहाँ से जो कुछ भी आपको पोर करना है वो इसमें अंदर पोर करो, तो कुछ भी स्प्लैश नहीं होता है फिर इसमें. कई बार होता है ना, तब आप क्रीम विप करते हैं तो वो चारों तरफ बहुत ज्यादा स्प्लैशिंग हो जाता है. तो इसके साथ जो है वो ये लिड भी है और डो भी आराम से बन जाएगा और यहाँ से आपको अपनी सप्लाईज डालनी है एंड देन इट गोना वर्क परफेक्टली. चलो मैं सारी चीजें क्लीन करती हूँ और इसका उद्घाटन करते हैं. सबसे पहले मैं रोटियों का आटा ही बनाने वाली हूँ. ब्लेंडर जग देखते हैं कि मैं आज ही करूँ इस्तेमाल या ना करूँ, बट ये तो मैं डेफिनेटली आज करने ही वाली हूँ. सो लेट्स गो एंड ट्राई इट.
गाइज इट वॉज अमेजिंग. मैंने 1.5 मिनट का यहाँ पे टाइमर लगाया था, आप लोगों ने देखा है, और 3 स्पीड मैंने सिर्फ इसकी रखी है. और यहाँ पे मैंने डाला था आटा और उसमें पानी डाला है. अंदाजा हो जाता है नॉर्मली क्या है, जो आटा मैं यूज करती हूँ वो 2 कप आटे में जो है वो लगभग 1 कप के करीब पानी जाता है. उतना ही डाला मैंने, 2 कप यहाँ पे आटा है, 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है. एंड दिस इज सच अ परफेक्ट डो. बस एक बार हाथ से इसको करना है विद इन लाइक 90 सेकेंड. 90 सेकेंड ही हुए ना और ये डन हो गया. धन्यवाद. तो आई एम सो हैप्पी. चौधरी खुश होगी. हाँ चौधरी पूरी खुश होगी. जान बच गई भाई. जान इनकी बची है. हाँ. जान तो वरना कभी भी क्या है था, टेवन का नंबर आ जाएगा जो हाथ थोड़ा टाइट बना दो. ठीक है. नहीं बाकी में अच्छा बना है. No doubt, it's good. और जब मैं केक बैटर वगैरह बनाऊंगी ना, व्हिपिंग क्रीम भी करूंगी, तो वो भी आज तो सारी चीज क्या इंक्लूड करूं. बट फर्स्ट इम्प्रेशन इज रियली गुड. ये सारी चीज भी अच्छी है, हैवी है तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है. हाँ सो इट इज वर्थ, जितने ये पैसे का है वर्थ है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं. आई थिंक कुछ ना कुछ इन लाइक ऑफ भी चल रहा है इसके ऊपर, तो अगर किसी को लेना है तो ले लेना. अब थोड़ा सा मोटिवेट हो जा. हाँ काय के लिए सर, 2 अटैचमेंट और भी है. हाँ इन्हें केक तो आप खाते हैं, आपने दुनिया के सामने बोल रखा आपको केक पसंद नहीं है. मफिन तो खा लेता हूँ मैं. ओह वो तो केक ही नहीं होता. अरे चलो हमारी बेटी बस गए बस गए. हमारी बेटी तो खा लेगी ना. नहीं आटा जो है वो बहुत अच्छा बना है. तो सॉल्ट ओके. अब आपकी छुट्टी. जो मेरा बनाने वाला काम था वो इसने कर दिया. अब बाद का जो करते हैं ना वो क्या बोलते हैं इसको, क्या जो बाद में करते हैं बनने के बाद, और इसमें ना अच्छा नीचे एक चीज और दिखाऊं, ये ऐसे हिलता भी नहीं है, इसमें नीचे सक्शन है. तो इसको ऐसे ऐसे बनाते हुए बिल्कुल भी नहीं हिलेगा. दिखे ना अगर इसके लेग, नहीं दिखेंगे. ये यहाँ पे ना सक्शन है, ये तो ये इस तरह से बिल्कुल फिक्स हो जाता है. तो गुड सक्शन वाले हैं इसके. सो आई एम हैप्पी. अभी मैं टमाटो प्योरी भी बना रही हूँ. हाँ मैं टमाटो प्योरी बना रही हूँ जो सब्जी बनाएंगे उसके लिए, तो वो भी मैं यूज करके आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसा चलता है. तो ये अटैचमेंट एक बार मैं इसकी निकाल दूँ और ये भी लॉक हो जाता है. सो हैप्पी. मैं तो बहुत खुश हूँ. हाँ मुझसे ज्यादा तो इनका पीछा छूट गया. चलो मैं टमाटर काट लूं फिर प्योरे बनाते हैं, वो भी दिखाती हूँ फिर कैसा है. बाकी डो के लिए परफेक्ट हैप्पी. पता क्यों डालना है ना, वो डाल दूंगी. वो डाल दूंगी इसको. ये मैं कर दूं. हाँ भाई इसे मैं कर दे रहा हूँ, कान न पके. हम तो ट्राई कर ले चला दे. हाँ. करें शुरू. हाँ. चलो सही है, कम भी पीस दिया. हाँ 2 ही टमाटर थे, आराम से इसने पीस दिया है. तो अब जैसे डोसे का बैटर बनाना है, इडली का बैटर बनाना है, तो मेरे वो छोटे छोटे से जार हैं मोटिवेशन, उनमें कम बनता है, मुझे बहुत बार डालना पड़ता है. अब एक बार में, एक या 2 बार में डन हो जाया करेगा. तो, और फिर ये ग्लास का डोसा कब मिलेगा है? डोसा कब मिलेगा? डोसा भी देंगे आपका. तो अब मुझे इसकी जगह करनी है क्योंकि ये तो काउंटर टॉप पे ही रहेगा, इट्स गोना यूज एवरी डे. सो चलो गुड गुड इन्वेस्टमेंट. तो आप लोग भी देख लेना, मतलब मुझे तो पसंद आया. तो साफ सूफ करके बस क्या कहें, हमारे यहाँ पुचकार के रखना पड़ेगा ये तो अच्छे से. नहीं बहुत मजबूत मजबूत ऐसा कहीं जाने वाला नहीं है. दिस इज नॉट द और पोर क्वालिटी या पूरा मतलब जो अभी प्लास्टिक है बहुत अच्छा है. चलो डिनर बना ले. Thank you.
सब्जी तैयार हो गई है, आलू जुकीनी और मटर की जो सिंपल वाली सब्जी होती है ना वो ही बनाई है मैंने, और रेसिपी इसीलिए लाइक दिखा दूंगी आप लोगों को, बट वही है कि नॉर्मली बनती है वही हींग जीरा धनिया हल्दी और लाल मिर्च प्याज टमाटर का नॉर्मल जो तड़का हर सब्जी में डलता है बिल्कुल उसी से, और हल्की सी ना ग्रेवी वाली बनाई है मैंने, तो अभी फाइनल दिखा दूंगी तो बड़ी टेस्टी लगती है। और लौकी की सब्जी भी आप ऐसी बना सकते हो, और मैं कई बार ना टिंडे की सब्जी भी इसी तरीके से बनाती हूँ, लाइक कढ़ाई में भी बना लेती हूँ टिंडे की सब्जी सूखी सूखी, लेकिन कई बार इस तरीके से भी बना लेती हूँ। अब तो खैर बहुत दिन हो गए टिंडे आए हुए तो लेकर आएंगे, तो हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए, बट सब्जी रन है। और इसमें मैंने किचन किंग डाल दिया था तो इसलिए गर्म मसाला नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी इसमें मैं ऊपर से। तो ये डन हो गई है, आटा मैंने इसमें निकाल लिया है क्योंकि वो वाला बोल बहुत गहरा है तो फिर उसमें से मुझे बार बार डो निकालने में ना दिक्कत होती, तो मैंने इसमें रख लिया है, बट अच्छा बना है, खुश हो गई मैं। होता है ना कोई कोई चीज दिल को बहुत अच्छी लग जाती है, वही हुआ है, तो बहुत 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 अच्छी वाली है। चलो बस रोटी सेकती हूँ, 7:15 बज गए हैं, लेट ही हो गया इस सारे चक्कर में, नहीं तो 7:30 तक खाना खा ही लेते हैं हम लोग, तो बस फटाफट रोटी सेक के इन लोगों को देती हूँ मैं खाना, और बस इसमें धनिया पत्ता और डाल दूँ, फ्रिज में से निकालना पड़ेगा। तो चलो प्लेट दिखाती हूँ फिर आप लोगों को। अपनी वीडियो यहाँ पे अभी एडिट कर रही थी तो एडिटिंग डन हो गई है, और आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, टाइम देख लो आप क्या हो रहा है। तो किसी किसी दिन ऐसी हालत हो जाती है, 12:15 हो रहे हैं, किचन एवरीथिंग ऑल क्लीन, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया है इधर की तरफ फ़िलहाल के लिए, इधर ही कर रख देते हैं, बाकी देख लूँगी बाद में अगर कुछ और जगह मैंने चेंज करी तो, बट इट इज़ सो गुड। पता नहीं मैंने आज की वीडियो में कितनी बार बोल दिया होगा, मेरे चेहरे से आपको खुशी दिखाई दे रही होगी कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे चक्कर में आज ये भी जाग रहे हैं, ये भी अपना काम निपटा रहे थे फिर। यस हाँ, तो देखा इन्होंने भी कर लिया, मैं काम कर रही थी तो ये भी अपना काम कर रहे थे। चलो भाई चलते हैं अब, बहुत बहुत लंबा दिन हो गया आज का, तो काम करते 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 12:15, और सुबह सुबह जो है वो फिर से उठना है क्योंकि स्कूल है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, किचन का नया मेंबर पसंद आया होगा, और रेसिपी तो बहुत सिंपल सी थी बेसिकली, आज तो बस ये है कि खुशी खुशी में बहुत कुछ रिकॉर्ड टेस्ट होना चाहिए। हाँ टेस्टी है ऑब्वियसली, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, बनाना ज़रूर। रोज पिज्जा बर्गर थोड़ी खा सकते हो। एग्जैक्टली नॉर्मल लाइफ रियल लाइफ यही होती है, रोज रोज स्पेशल कहीं नहीं बनता, यही बनता है। और सच बताऊं इस खाने को खा के ही तसल्ली होती है, पिज्जा बर्गर कुछ भी खा लो, जो स्वाद दाल रोटी सब्जी रोटी में आता है ना, 3 दिन लगातार पिज्जा बर्गर खाओ दाल रोटी आधा नहीं लगती। हाँ
दाल रोटी कब मिलेगी? बिल्कुल पिज्जा क्या कुछ भी। हम वहां गए थे जर्मनी, ओह माय गॉड, डोंट आस्क। चार दिन के बाद मिलता कहीं से दाल चावल मिल जाए, कहीं से मिल जाए, हमें एक बासी रोटी मिल जाए ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जर्मनी में फिर भी ऑप्शन था विकास, वहाँ फिर भी था। फ्रांस में बड़ी बुरी हालत हुई थी हमारी, तो बस पनीनी पनीनी तो बड़ा अजीब टाइम था। कभी शेयर करेंगे आपके साथ के कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा बीइंग वेजिटेरियन। यू नो समटाइम इट फील्स लाइक यू केम फ्रॉम अनदर प्लेनेट। लोग ऐसे बिलीव, अच्छा वेजिटेरियन फिश तो खा लेते होंगे भैया वेजिटेरियन। फ्रांस में मैं नहीं, हाँ तो ऐसा ही रहा। चलो टॉपिक कहीं का कहीं चला जाएगा, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना। दैट्स इट, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।